Assalamu alaikum students, this is Vakar Beg, and today we are going to study about the chapter number 7. That one is acid and base, and this is the part number 3. This is the part 3 of the acid and base. इससे पहले हम लोगों ने acid and base के concept को study किया और फिर उसके बाद हमने discuss किया the ionic product of water यानि water dissociation constant. आज हमारा जो topic है वो है दरअसल the strength of an acid. Strength of an acid. Okay. The strength of an acid. एक acid की strength हम कैसे measure कर सकते हैं? अच्छा, एक बात मैं आपको बताना चाहूँ. This lecture is for tuition and as well as for ETA student. ये lecture जो है वो tuitions के लिए भी है और ETA के लिए है. हम एक ही lecture में तमाम को cover करेंगे. So the topic is the strength of an acid. Student, एक एसिड की स्ट्रेंथ को जानने के लिए कि एक एसिड कितना स्ट्रॉन्गर है, इसके लिए हमारे पास एक पैरामीटर इस्तेमाल होता है एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट. एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय के. एक एसिड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कांस्टेंट है उसे हम नाम देते हैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी के. अब हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है. स्टूडेंट, आप लोगों ने नाम सुना होगा द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है तो तुम कहोगे कि विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, which ionize completely, and weak acid वो होता है जो partially ionize होता है. अगर मैं strong acid की example दूँ तो मेरे पास strong acid HCl है. HCl को अगर मैं पानी में add करता हूँ, if I add them in the water, तो HCl ionize होगा hydrogen ion में और plus chloride ion में. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि होता क्या है कि अगर आप 1000 मॉलिक्यूल ऑफ HCl के पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें तकरीबन आपने डाले 1000 मॉलिक्यूल, तो उन 1000 मॉलिक्यूल में से तकरीबन 999 यानी 999 आयनाइज हो जाएंगे. और जब 999 आयनाइज हो जाएंगे तो इससे हाइड्रोजन आयन जो बनेंगे वो भी 999 होंगे और क्लोराइड आयन भी 999 होंगे. और जिसमें आप कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है वो HCl का आपके पास अनडिसोसिएटेड रह जाएगा यानी आयनाइज नहीं होगा. तो इस लिहाज से अगर आप देखें आपने डाले 1000 मॉलिक्यूल और 1000 में से 999 आयनाइज हो गए तो आप देखें विच इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज. तो ऐसे एसिड को हम जनरली क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. लेकिन अगर आप वीक एसिड की एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास मशहूर एग्जांपल है एसिटिक एसिड. अगर आप एसिटिक एसिड को पानी में डालते हैं तो पानी में डालने से इससे आपके पास एसिटेट आयन बनेगा और प्लस हाइड्रोजन आयन बनेंगे. और अगर मैं कहता हूँ कि आपने इसमें 1000 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के पानी में डाले तो स्टूडेंट 1000 में से जस्ट 13 मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे. और 13 मॉलिक्यूल एसिटेट आयन के बनेंगे और 13 हाइड्रोजन आयन के बनेंगे. और इसमें से आप कह सकते हैं कि तकरीबन 987 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि अनडिसोसिएटेड या आप दूसरा लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं अनआयनाइज होंगे. कंपेयर करिएगा जी,
हजार मॉलिक्यूल इसके भी डाले थे, हजार मॉलिक्यूल इसके भी डाले थे, ये 999 आयनाइज हुए और ये जस्ट 13 मॉलिक्यूल आयनाइज हुए, तो इस लिहाज से इस एसिड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन स्टूडेंट ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का लफ्ज ऐसे ही है कि जैसे आप इस्तेमाल करें कि ये जगह दूर है और ये जगह नज़दीक। अब दूर और नज़दीक एक क्वांटिटेटिव टर्म नहीं है, इसका क्वांटिटेटिव टर्म अगर आप निकालें तो आप कहें कि ये जगह 1 किलोमीटर दूर है, ये जगह 5 किलोमीटर दूर है, तो अब इसमें आपको क्वांटिटी पता चलती है। इसी तरीके से अगर आपने एसिड की स्ट्रेंथ जाननी है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना है, क्वांटिटेटिवली क्या इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए जो पैरामीटर इस्तेमाल होता है उसको हम नाम देते हैं एसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यानी KA। अब आपको यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज आपने कोई एसिड लिया, वी हैव टेकन द एसिड दैट इज HA, आपने इसे पानी में डाला और पानी में आयनाइज किया, तो स्टूडेंट इससे आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनेंगे और प्लस हमारे पास इससे आपके पास बनेगा A-, ये प्रोटॉन लॉस कर लेगा और वाटर प्रोटॉन गेन कर लेगा, तो वाटर प्रोटॉन गेन कर लेगा तो हाइड्रोनियम आयन, और ये प्रोटॉन लॉस कर लेगा तो ये दैट इज A- आयन बन जाएगा। याद रखिए यहाँ पे आयनाइजेशन हो रही है, तो आपने शायद पढ़ा हुआ है कि आयनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, दैट इज KC एंड दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका KC एक्सप्रेशन लिखूं यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखूं तो आपको पता है कि दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टिव, तो मैं लिखना चाहूँ तो ये होगा द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए नेगेटिव and divided by concentration of undissociated acid and the concentration of the water solutes. Student, I will say this is equation number 1 students. Student, अगर आप यहाँ पे देखें तो water की concentration, आपको अगर याद हो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि the molarity या the molar concentration of water is 55.5 molar, और अगर आप देखें आप एसिड को पानी में डालेंगे तो पानी के चंद ही मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे। मैं अपने स्टूडेंट को एक सीज एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप समंदर के पानी से एक बाल्टी पानी निकाल लें तो बताएं क्या समंदर के पानी पर कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आंसर है समंदर के पानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहेगी। इसी तरीके से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तादाद कितनी हाई है, ये बहुत हाई कंसंट्रेशन है, तो हम कहेंगे इसमें से अगर कुछ अमाउंट कम भी हो जाए तब भी हम कहेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो जब इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो मैं काम करता हूं कि मैं इस कांस्टेंट को इस साइड पे ले आता हूं, तो स्टूडेंट KC भी एक कांस्टेंट है और वाटर की कंसंट्रेशन भी एक कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट को इस साइड पे कर दूं, तो वाटर को अगर इधर ले आऊंगा तो KC मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू the concentration of hydronium ion, the concentration of A- and the concentration of HA. So student, ये भी constant है और ये भी constant है। अब ये दोनों constant जब multiply होंगे तो इससे जो आपके पास another value आएगी वो भी आपके पास क्या होगी, constant होगी, and that constant is represented by KA. तो इसी जगह पे अगर मैं KA लिख लूँ तो ये हो जाएगा कि Ka is equal to the concentration of hydronium ion and the concentration of A- and the concentration of undissociated acid. इसे कहते हैं concentration of undissociated acid. तो ये जो expression आपके पास आ गया है, इस expression को हम जनरली इस Ka को क्या नाम देते हैं, acid dissociation constant. मैं चाहता हूँ कि इस mathematical form को देखकर आप इस K को डिफाइन करें तो आपको नजर आएगा कि न्यूमिनेटर में इसमें आइंस है और डिनोमिनेटर में इसमें कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड है। तो अगर मैं इसी जगह पे ऐसे लिख दूं कि K इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड एसिड, तो इसके रेशो को दरअसल में क्या कहा जाता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि डिफाइन दिस KA, तो इसको देखकर आप डिफाइन कर सकते हैं। ज़रा सारे डिफाइन करें, हम कैसे डिफाइन करेंगे,
कि इट इज द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड. सारे मेरे साथ पढ़ो जो मैंने आपको बताया, जल्दी से बताओ हाउ कैन यू डिफाइन के ए. तो आप कहोगे कि द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आइंस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड. So the ratio is actually called as acid dissociation constant. अब एक बात मुझे बताओ, यहां पे तुमने देखा कि strong acid है. या मैं आपसे एक और बात कहता हूं कि आपने कहा कि एक ऐसे define कर सकते हो कि the ratio between the concentration of ions and the concentration of undissociated acid. और इस expression को कहा जाता है acid dissociation constant expression. तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास एसिड है HCl, आपने लिखना किसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन. ये एक्सप्रेशन आपने इसका लिखना है. तो आप एक काम करेंगे, आपके पास HCl है, अगर आप इसे पानी में डालेंगे तो इससे हाइड्रोजन आयन बनेगा और प्लस क्लोराइड आयन बनेंगे. तो आपने Ka को कैसे डिफाइन किया है, the ratio between the concentration of ions and the concentration of undissociated acid. तो मैं अगर इसका K expression लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे the concentration of hydrogen ion and the concentration of chloride ion and divided by the concentration of the undissociated acid. So this ratio is actually called as acid dissociation constant expression. तो अब आप मुझे बताएं K ions का और undissociated acid का ratio. मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कि अगर आप एसिडिक एसिड के लिए के एक्सप्रेशन लिखें तो आप सबसे पहले एसिडिक एसिड को आयनाइज करेंगे. तो एसिडिक एसिड को अगर आप आयनाइज कर लें तो इससे आपके पास एसिटेट आयन बनेगा और प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा. तो अगर इसका आपने डायरेक्ट के ए लिखना है तो आप लिख सकते हो कि द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ undissociated acid. अच्छा, अब अगर ये आपने HCl के लिए लिखा है और ये आपने acidic acid के लिए लिखा है तो इन दोनों में फर्क क्या होगा. अगर आप यहाँ पे देखिए इस वाले एग्जाम्पल में HCl में आपने कहा था कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन की तादाद 299 है और जो undissociated molecule है उसकी तादाद कितनी है 1. इसका मतलब ये है कि इसका न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा. लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आइंस की तादाद 13 है और अनडिसोसिएटेड की तादाद क्या है 987. मतलब ये कंसंट्रेशन लो होगी और ये कंसंट्रेशन हाई होगी. इसकी ये कंसंट्रेशन हाई है और ये कंसंट्रेशन क्या है लो है. और आपने कहा कि HCl कौन सा एसिड है, आपने कहा कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड है. तो अब मुझे बताओ कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसके आयन ज़्यादा होंगे, अगर आयन ज़्यादा होंगे तो के ए वैल्यू भी क्या होगी ज़्यादा होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जिस एसिड की के ए वैल्यू हाई होगी तो वाज़े रहे वो एसिड आपके पास क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा. और इसके बाद दूसरी बात ये है कि जिस एसिड की के ए वैल्यू लो होगी वो एसिड आपके पास क्या होगा वीक होगा. So this is the expression to use. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायरेक्टली अगर आप देखें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि the acidity is directly proportional to the Ka. तो जिसका Ka ज़्यादा होगा उसकी acidity भी क्या होगी ज़्यादा होगी और वो acid आपके पास क्या होगा strong होगा. तो student एक और टर्म आपने पढ़ा होगा and that is pKa. जब कभी भी हम स्मॉल पी लेते हैं तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉग. तो पी के ए मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ के. तो स्टूडेंट पी के ए इज एक्चुअली नेगेटिव लॉग ऑफ के. एक काम करना चाहता हूँ, इस नेगेटिव को ख़त्म करना चाहता हूँ. तो स्टूडेंट अगर इसे पॉजिटिव करना है आपने तो लॉग का रूल है, इसको पॉजिटिव करना है तो ये डिवाइड पर आ जाएगा. तो आपके पास हो जाएगा कि पी के ए इज इक्वल टू 1 ओवर लॉग ऑफ Ka. इसका मतलब ये हुआ कि Ka का और PKa का आपस में क्या रिलेशनशिप है,
inverse relationship, and they are inversely related. It means, इसलिए जाहिर हुआ, अब जरा जुमला कंप्लीट करते हैं कि जितना एसिड आपके पास स्ट्रांग होगा, तो अभी आपने बताया कि उसकी के ए वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। के ए वैल्यू ज्यादा होगी तो वाज़े रहे उसकी पी के ए वैल्यू क्या होगी, लो होगी। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि पी के ए लो होगा तो एसिड आपके पास क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो स्टूडेंट आई कैन से कि द एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीके ए। जितना पीके ए कम होगा उतनी उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना पीके ए ज्यादा होगा उतनी उसकी एसिडिटी कम होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द पीके ए। तो मैं अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछ लूं कि आपके पास दो एसिड है, सवाल पूछता हूं, टू एसिड्स, एक है ए और दूसरा है ए बार। ए का पी के ए 10 है और ए बार का पी के ए 7 है। जल्दी से मुझे देख कर बताएं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो वाजे रहे, तो आप कहते हैं कि जितना पी के ए कम होगा उतनी एसिडिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बार इज द स्ट्रॉन्गर एसिड as compared to A। जो A बार है वो इस A से क्या होगा, strong acid होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि A बार is dash times stronger than A, तो बताएं इसका आंसर कौन क्या होगा। ऑप्शन A, is it 3 times, is it 2 times, is it 100 times or is this 1000 times? What is the correct answer? बज़ाहिर अगर आप इनमें difference देखें तो पी के ए का जो difference आपको नजर आएगा वो दरअसल 3 का है। लेकिन ये 3 का difference जो है, तो इसका मतलब ये है कि जो के ए का difference है वो 10^3 का difference है। मैं एक जुमला लिखता हूँ, याद रखिएगा कि द यूनिट चेंज इन पी के ए, अगर पी के ए में 1 time चेंज आएगा तो वाजे रहे एसिडिटी चेंजेस बाय 10 times। जो एसिडिटी है वो तकरीबन कितने टाइम चेंज हो जाएगी, 10 time चेंज हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ कितना पी के ए का डिफरेंस है, 3 का। तो 3 का मतलब है 10 multiplied by 10 multiplied by 10, so the answer is actually equal to 1000 times. So the correct answer is actually 1000 times. This is very important point to note. Okay, A bar is 1000 times stronger than A, right students? So this is what we have discussed regarding the acid dissociation constant. इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो एक topic है and that one is the leveling effect. Leveling effect. तो सुनो, पॉइंट टू बी, अगर मैं एक काम करता हूं कि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड लेता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से, HClO4, HI, HBr, HCl, ये 4 एसिड याद रखेंगे, ठीक है? 4 एसिड है, HClO4, HI, HBr और HCl। ये सारे के सारे कौन से एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर मैं इन सारों को पानी में ऐड करूं, इफ आई ऐड देम इन वाटर, मेरे पास 4 बीकर हैं और इन 4 बीकर में मेरे पास एक्चुअली क्या मौजूद है, वाटर मौजूद है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अच्छा, इसको इसमें डालूंगा तो ये तकरीबन 99% आयनाइज हो जाता है, इसको भी डालूंगा तो ये 99% आयनाइज हो जाएगा, इसको भी डालूंगा 99%, और इसको भी इसमें डालूंगा तो ये 99% आयनाइज हो जाएगा। सारों की आयनाइजेशन की परसेंटेज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बताएं इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो तुम कहोगे कि सारों की आयनाइजेशन एक जैसी है, तो ये सारों की जब एसिडिटी है वो भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट
वाटर में डालने से इन सारों की एसिडिटी क्या होगी, सेम होगी। तो स्टूडेंट इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स, यानी सारों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया, सारों को एक जैसा कर दिया स्टूडेंट्स। सारे ताकतवर हैं, पानी में डालने से इन सारों की एसिडिटी क्या होगी, सेम होगी। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लेवलिंग इफेक्ट। अगर आपसे मैं पूछूं कि इनमें से किसकी के वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि वाटर में इन सारों की जो के वैल्यू क्या होगी, वो आप बोलोगे कि इनकी के वैल्यू सेम होगी। लेकिन स्टूडेंट हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज्यादा ताकतवर है। तो अगर हमने इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि ज्यादा ताकतवर कौन है, तो फिर हमने एक काम करना होगा, हमने सॉल्वेंट को चेंज करना होगा। I have to change the solvent. सॉल्वेंट को चेंज करना जी। सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वाटर। अब मैं यहाँ पे अगर वाटर की बजाय इस्तेमाल करूँ एसिटिक एसिड, तो स्टूडेंट एसिटिक एसिड स्टूडेंट्स, ये मैंने सॉल्वेंट चेंज कर लिया और इस्तेमाल कर रहा हूँ एसिडिक एसिड। एंड कीप इन योर माइंड कि एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। एसिडिक एसिड की एसिडिटी वाटर से क्या ज्यादा है। सारों में मेरे पास एसिडिक एसिड है, ठीक है, सॉल्वेंट एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड एंड एसिडिक एसिड पॉइंट नंबर। अब एक काम करता हूँ, अब मैं इसमें HClO4 डालता हूँ, इसमें मैं HI डालता हूँ, इसमें मैं HBr डालता हूँ और इसमें मैं HCl डालता हूँ। तो सपोज करते हैं, ठीक है, जब सॉल्वेंट चेंज किया तो पता लगा कि HClO4 की आयनाइजेशन 99% है, इसकी 98%, इसकी 97% और इसकी 96%। तो अब बताओ क्या इनकी परसेंटेज आयनाइजेशन में चेंज आया, आंसर है यस। अब बताओ इनमें से क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो तुम कहोगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HClO4। फिर हमारे पास क्या है, HI और फिर HBr और फिर HCl। लेकिन वाजे रहे इनको डिफरेंशिएट किया किस चीज को चेंज करके, सॉल्वेंट को चेंज करके स्टूडेंट्स। वाटर की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, एसिडिक एसिड स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट, इसका लॉजिक एक प्यारी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बड़ी प्यारी एग्जांपल है, मुझे ये एग्जांपल बताता है कुछ बड़ी पसंद है। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, एक मोहल्ला है, एक इलाका है, वहां पे चार लोग रहते हैं या तीन लोग रहते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। इस मोहल्ले में एक गरीब इंसान रहने आता है, गरीब इंसान, एक गरीब और कमजोर इंसान, मैं ऐसे कह देता हूं कि ये आपके पास कमजोर और गरीब इंसान है। जरा देखिए, ये रास्ते में जा रहा होता है, इसके सामने ए आता है, दिस इज ए, ये इसे थप्पड़ मारता है, गिर जाता है। फिर उसके सामने आगे जाते हुए बी आता है, ये से थप्पड़ मारता है, गिर जाता है। और फिर उसके सामने सी आता है और वो भी इसे थप्पड़ मारता है और ये गिर जाता है। दिस पुअर मैन, दिस पुअर पर्सन, दिस वीक पर्सन। तो अगर मैं तुमसे बताऊं कि तुमसे ये पूछूं कि बताओ इस गरीब इंसान के सामने इन तीनों बदमाशों में से कौन सा बदमाश सबसे बड़ा है, तो तुम कहोगे यार इस गरीब इंसान के सामने सारे बदमाश क्या है, एक जैसे हैं। तो तुम कहोगे ए बी और सी क्या है, सेम। अब ये बेचारा गरीब इंसान ये जगह मोहल्ला छोड़कर चला जाता है और इसकी जगह पर दूसरा एक बंदा आता है, लुक एट, लेकिन वो थोड़ा सा इससे ताकतवर होता है। किसको चेंज किया, इस पूर पर्सन को चेंज किया, ये बंदा आ गया। अब ये बंदा आ गया तो स्टूडेंट मैं देखो इसके सामने तीन बदमाश हैं, ए बी एंड सी, सो बोल सकते हो वही वाले। अभी रास्ते में जा रहा होगा, नया नया आया है मोहल्ले में, तो उसके सामने ए आता है। जब उसके सामने ए आता है, ए जैसे ही इसका थप्पड़ मारने लगता है, ये आदमी इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है लड़का से मैं चल गया, क्या बात है, नोट्स खाए। फिर
आगे जाता है, उसके सामने बी आता है, बी उसे थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद ये इसे गाली देता है, मारा जा रहा है। अब सर कंपेयर करो, पहले वाले को अगर आप देखो उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस दूसरे वाले ने थप्पड़ मार दिया, सही। और फिर आगे जाने के बाद जब सी सामने आता है तो जब इसे ये थप्पड़ मारता है तो ये बेचारा गिर जाता है, और खुदे तभी खुदे तो कुबू रहता, उसके सामने कुछ नहीं कहता। तो अब सर इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि अब इसके सामने सबसे बड़ा बदमाश कौन सा हुआ है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा बदमाश सी है, और फिर बी है, फिर कौन सा है? ए। तो स्टूडेंट, ये गरीब आदमी जो पुअर पर्सन था, ये वाटर था, और ये जो बदमाश थे HClO4, HI और HBr, तो इस गरीब आदमी के सामने ये सारे के सारे क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। वाटर के सामने सारे के सारे क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। तो फिर हमने इसको हटा के वाटर से स्ट्रॉन्गर बंदा रखा, तो तब हमें पता चल गया कि भाई जब वाटर से स्ट्रॉन्गर बंदा रखा तो सबसे स्ट्रॉन्गर बंदा ये जो हमारे पास है, ये क्या है? एसिडिक एसिड। तो तब हमें पता लगा कि सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है? HClO4, HI और HBr। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इन एसिड को चेंज करने के लिए हमने कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया? एसिडिक एसिड। लेकिन ये मुझे बताएं कि इनकी एसिडिटी सेम किसने की थी? तो अगर आप कहें तो इनकी एसिडिटी सेम जो है वो दरअसल किसने की थी? वाटर ने। तो वाटर को हम बोल सकते हैं कि दैट वन इज द लेवलिंग सॉल्वेंट। वाटर इज एक्ट एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। तो अब मुझे बताओ डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करोगे? कौन सा एसिड इस्तेमाल, कौन सी चीज इस्तेमाल करोगे? तो वो चीज इस्तेमाल करोगे जिसकी एसिडिटी वाटर से क्या हो? थोड़ी सी ज्यादा। तो वाटर से ज्यादा एसिडिटी किसकी है? एसिडिक एसिड की, जिसमें डिफरेंशिएट हो गया। तो अगर मैं एक एमसीक्यू पूछूं कि ये बताएं, इफ आई आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, कि मैं सवाल तुमसे पूछूं कि इन वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड? ऑप्शन ए HClO4, ऑप्शन बी HI, ऑप्शन सी HBr और ऑप्शन डी दे हैव द सेम एसिडिटी। तो बताओ इसका क्या जवाब दोगे? तो आंसर आएगा सेम एसिडिटी। और वाटर को कौन सा सॉल्वेंट कहेंगे? लेवलिंग सॉल्वेंट कहेंगे। वाटर विल एक्ट एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। सोच अब एक बात और मुझे बताए कि वाटर को लेवलिंग सॉल्वेंट है, तो वाटर ने जो लेवलिंग सॉल्वेंट है इसने किसको लेवल किया? तो याद रखें, इसने लेवल किया, बराबर किया ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। किसको लेवल किया है? ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो कीप इन योर माइंड, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर लेवल्ड बाय, किसने लेवल किया है? वाटर ने। तो अब आप मुझसे दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि सर वाटर के अलावा कोई और दूसरा लेवलिंग सॉल्वेंट? यस, द अनदर लेवलिंग सॉल्वेंट इज लिक्विड अमोनिया। अमोनिया इन द लिक्विड फॉर्म, दिस इज आल्सो एक्ट एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। लेकिन अब मैं अमोनिया के बारे में खुशू से आपको बताता हूं। ये बताओ HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड को देखें तो ये आपके पास क्या है? वीक एसिड है। वैसे किस चीज में? वाटर में बात कर रहे हैं। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, लेकिन वाज़े रहे कि इसका टर्म किसके साथ है? वाटर के साथ। लेकिन अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अमोनिया में डिजॉल्व करूं, इफ आई पुट दैट इन अमोनिया, तो स्टूडेंट अमोनिया क्या काम करेगा? अमोनिया इज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। अच्छा, प्रोटोफिलिक मींस प्रोटॉन लविंग, प्रोटोफिलिक मींस लविंग, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये अमोनिया ऐसे देगा, जल्दी मुझे हाइड्रोजन दे दो। जब ये ऐसे हाइड्रोजन दे देगा तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू ClO4 माइनस एंड प्लस, हमारे पास इससे क्या बन जाएगा? अमोनियम आयनाइज हो गया। लेकिन इसी तरीके से अगर आप अमोनिया को एसिडिक एसिड में डालोगे, एसिडिक एसिड को अमोनिया में डालोगे, तो अमोनिया तो ऑलरेडी चाहता है कि मुझे प्रोटॉन चाहिए, तो
तो लेकिन ये देना नहीं चाहता क्योंकि अब एक एसिड है, लेकिन ये इसे मजबूती से खींच लेगा, जोरी से खींच लेगा। तो खींचने के बाद हमारे पास इससे आपके पास कौन सा आयन बन जाएगा, एसीटेट आयन, और दूसरा कौन सा है, अमोनियम आयन। अब मुझे बताओ कि इन दोनों में अमोनिया में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो याद रखो इन दोनों की जो एसिडिटी है वो क्या होगी, सेम होगी, लेकिन किस चीज में, अमोनिया। Because ammonia is a base, ammonia is a base. ये नहीं देना चाहता था, वीक था पानी में, लेकिन अमोनिया ने इसे खींचा और स्ट्रॉन्गर तरीके से खींचा, तो ये ज्यादा आयनाइज हो गया, इसलिए दोनों की एसिडिटी क्या होगी, सेम होगी। तो अब मुझे बताओ कि किस किस को लेवल कर सकते हो। तो याद रखो किस किस को लेवल कर सकते हो, तो मैंने कहा कि किस किस को लेवल कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को लेवल कर सकते हो। दूसरा और किस को लेवल कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की भी एसिडिटी को सेम कर सकते हो। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को लेवल करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, अमोनिया को इस्तेमाल करोगे। और तमाम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड को लेवल करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल करोगे, वाटर इस्तेमाल कर सकते हो। और डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे, एसिटिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी कैन डू लेवलिंग। लेकिन अब तुम मुझसे सवाल पूछ सकते हो कि लेवलिंग इफेक्ट इन बेस अगर बेस में लेवल करना हो तो फिर क्या हो सकता है, क्या बेस में लेवल हो सकता है। हाँ, मेरे पास दो स्ट्रॉन्ग बेस है, आई हैव टू स्ट्रॉन्ग बेस, एक है Na2 और दूसरा है सोडियम अमाइड NaNH2। बोथ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, इनको तुम पानी में डालो तो इन दोनों की जो बेसिसिटी है वो दरअसल क्या होगी, सेम हो जाएगी। तो अब मुझे बताओ इन दोनों की बेसिसिटी सेम किसने की, वाटर। तो याद रखो इसका मतलब ये है कि लेवलिंग इफेक्ट और किस में हो सकता है, स्ट्रॉन्ग बेस में हो सकता है। तो जरा रिपीट करते हैं, बताइएगा कि लेवलिंग इफेक्ट किस किस में हो सकता है। तो पहला तुम नोट करो कि ऑल strong acids can be leveled, कौन सा solvent इस्तेमाल करके, water इस्तेमाल करके। दूसरा यहां पर लिख सकता हूं all strong base can be leveled, कौन सा solvent इस्तेमाल करके, water इस्तेमाल करके। और इसी तरीके से तुम किसको level कर सकते हो, strong acid and strong base को भी, sorry strong acid and weak acid को भी level कर सकते हो, लेकिन कौन सा solvent इस्तेमाल करके, अमोनिया को इस्तेमाल करके। इसी तरीके से तुम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को भी लेवल कर सकते हो, मैं लिख सकता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस कैन आल्सो बी लेवल सॉल्वेंट्स, उसको भी तुम लेवल कर सकते हो सॉल्वेंट्स। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज लेवलिंग इफेक्ट। कौन सी चीजें लेवल नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी। तो याद रखो ऑल वीक एसिड्स and all weak bases, they cannot be leveled, इनको तुम level नहीं कर सकते, इनकी acidity और basicity को same नहीं कर सकते। तो point to be noted, this is what we have discussed regarding the level effects. तो strength of an acid को represent करने के लिए हमने जो constant expression इस्तेमाल किया उसे नाम दिया जाता है acid dissociation constant। अच्छा अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो याद रखो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड जो है वो HClO4 है, फिर HI है, फिर HBr है, फिर HCl है, फिर इसके बाद स्टूडेंट बारी आती है H2SO4 और HNO3, इन दोनों की एसिडिटी क्या है, सेम है। ये हमारे पास जो स्पीशी है इनको याद रखना, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। और सुन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि वीक एसिड्स की कुछ एग्जांपल दो, तो वीक एसिड में एक एग्जांपल तुमने लिखा कि दैट वन इज एसिटिक एसिड, दूसरी वीक एसिड की एग्जांपल याद रखना HCN, तीसरी एग्जांपल याद रखना कार्बोनिक एसिड H2CO3 और चौथी एग्जांपल H3PO4 और पांचवी एग्जांपल वीक एसिड की H2S। इसी तरीके से छठी एग्जांपल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे पास क्या हैं, वीक एसिड्स हैं। इनसे अक्सर उबाद एमसीक्यू आता है,
एसिडिक एसिड हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक एसिड फास्फोरिक एसिड H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे आपके पास जो एसिड है ये दरअसल क्या है, वीक एसिड है। स्टूडेंट इससे मिलता जुलता हमारे पास एक टॉपिक है एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस की अगर हम बात करें इसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसे नाम दिया जाता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केबी। और मैं चाहता हूं कि तुम क्या केबी को डिफाइन कर सकते हो, तो यू कैन डिफाइन द केबी एज वेल। केबी को आप डिफाइन कर सकते हैं कैसे, आपने के को कैसे डिफाइन किया था बोलो, द रेशियो बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड। इसी तरीके से केबी को डिफाइन करने के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द अनडिसोसिएटेड बेस। पॉइंट ऑफ द रेशियो बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड बेस, सो दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज केबी। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट आपके पास अमोनिया है, अमोनिया को अगर आपने पानी में डाला तो इट विल आयनाइज और वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा तो अमोनियम आयन बनेगा और प्लस आपके पास वाटर अमोनियम आयन होने के बाद यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सल आयन बनेगा। तो स्टूडेंट अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखोगे तो केसी द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन डिवाइडेड बाय the concentration of the ammonia and the concentration of the water। वही बात कि water की concentration यहाँ पे क्या है, बहुत high है तो हम कहेंगे कि इसकी concentration क्या रहेगी, constant। तो इसको इस तरफ ले जाओ तो इस तरफ ले जाने से हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा Kc multiplied by the concentration of water is equal to the concentration of ammonium ion and the concentration of hydroxyl ion divided by the concentration of the ammonia। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा अब हमारे पास जो कांस्टेंट आएगा इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे केबी से। तो केबी इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ द अमोनिया। तो दिस इज बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। वही बात जितना बेस स्ट्रॉन्गर होगा उतनी केबी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग द लेवलिंग इफेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन के ए एंड के बी। तो वो कार्बिक को इजाजत दीजिएगा, नेक्स्ट इस पर हम इशारा करते हैं।